व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू नॉलेज टू ग्रो। नॉलेज टू ग्रो में आपका स्वागत है गाइस। तो गाइस, वीकेंड आता है, वीकेंड के बाद मंडे आता है। सैटरडे संडे आप मस्ती करते हैं, आराम करते हैं, तो मंडे को हमारा काम पे जाने को मन नहीं करता। ऐसा ही होता है हमारे साथ जब हम वर्कआउट या अपनी ट्रेनिंग रेजिमाइन में होते हैं, ट्रेनिंग रूटीन कर रहे होते हैं। उसके बाद जब हमारा ऑफ होता है 2-3 दिन के बाद, तो हमारा मन नहीं करता अगले दिन काम करने को। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक शॉर्ट स्टोरी, और इस शॉर्ट स्टोरी में मैं बताऊंगा आपको एक लेजेंड के बारे में। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। गाइस, मैं बात करने वाला हूँ मिस्टर सी टी फ्लेचर के बारे में। मिस्टर सी टी फ्लेचर 6 बार पावर लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, और वंस अपॉन अ टाइम ही इज अ किंग ऑफ पावर लिफ्टिंग। इन्होंने पावर लिफ्टिंग में रूल किया है गाइस। इस बंदे को सुपरमैन के नाम से जाना जाता है, इनको सुपरमैन का नाम दिया हुआ है बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ। वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं गाइस। तो गाइस, इनका स्ट्रिक्ट आर्म कर्ल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो अभी तक मेरे हिसाब से ब्रेक हुआ नहीं है। तो गाइस, स्ट्रिक्ट पावर कर्ल में ये नंबर वन थे अपने टाइम के। तो इन महान व्यक्ति जो ये जो लेजेंड है, इनका 12 साल पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है गाइस। ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था जिसमें 3 बार मॉनिटर पे फ्लैट लाइन आया। फ्लैट लाइन मीन्स जब आपके हार्ट का जो लाइन है वो फ्लैट दिखाता है, इट मीन्स यू आर डेड। तो 3 बार ये आदमी डेड हुआ, बट मिरेकली मैजिकली ये बच गए और इन्होंने कम बैक किया, क्योंकि इनका मसल मास और इनका मसल गेन सब लॉस्ट हो गया था ड्यू टू दैट सर्जरी। सर्जरी के बाद ये काफी टाइम अपने बेड पे रहे, बट दैट गाय इज नोन फॉर हिज कम बैक। उन्होंने कम बैक किया और उन्होंने पहले से ज्यादा मसल गेन किया। वो अपने बिगेस्ट आर्म के लिए जाने जाते हैं गाइस। सो इन्होंने ये सब कुछ गेन किया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया गाइस। तो गाइस, उसके बाद हुआ ये कि लास्ट ईयर 15 जून 2017 को इनको फिर से हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि इनको डॉक्टर ने बोला था कि आपका हार्ट जो है वो नाजुक हालत में है, आपको वेट लिफ्टिंग से तो बहुत दूर रहना है, वेट लिफ्ट नहीं करना है, कोई ट्रेनिंग नहीं करनी, जिम के तो आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। तो इनको 15 जून 2017 को अगेन हार्ट अटैक हुआ गाइस। इनके दिल में जो वॉल्व है उसको चेंज किया गया। नाउ इनका जो हार्ट है वो 20-25% ओनली फंक्शन कर रहा है। तो ही इज नाउ गोइंग फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट। उनका अभी हार्ट ट्रांसप्लांट होगा गाइस, बट मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सीटी फ्लेचर ने ये कहा है, उन्होंने ये बोला है अपनी वीडियो में कि उनको मौत से कोई डर नहीं है, उनको अपनी ट्रेनिंग से, अपने इस जिम और वेट लिफ्टिंग से इतना ज़्यादा प्यार है कि वो इसके अलावा और कुछ चीज़ सोच ही नहीं सकते गाइस। तो गाइस, ये आदमी जो दिन में 100-200 पुशअप करता था, नाउ स्ट्रगलिंग फॉर ओनली टू डू वन सिंगल पुशअप, कि वो एक सिंगल पुशअप कर लें, वो उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वो अंदर से आप सोचिए कि वो कितने ब्रेक हो चुके हैं। जो आदमी अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता हो, वो एक सिंगल पुशअप ना कर पाता हो, और घर का जो कोई भी काम है, इवन नहाने तक का वो काम खुद नहीं कर पा रहे, उनको अपने बेटे की हेल्प लेनी पड़ रही है, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। तो गाइस, व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस गाय? अगर आप बोलते हैं कि आपको यू नो पेन है, आपको सोरनेस है, आप ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, आपका मन नहीं करता, आप वीक फील कर रहे हैं, तो गाइस लर्न फ्रॉम दिस गाय। इससे आप कुछ सीखिए, इन महान व्यक्ति से कुछ सीखिए। इन्होंने अपनी मौत के अगेंस्ट, अपने अपने ओन बॉडी के अगेंस्ट फाइट किया और उसमें विजय रहे, उसमें इन्होंने जीत हासिल की गाइस। तो ये अभी अपनी जो इन्होंने टेस्ट लास्ट विल और टेस्टामनी है उसमें बताया कि इनको किसी की सहमति नहीं चाहिए, इनको आपकी सहमति नहीं चाहिए। इन्होंने बोला है कि मैंने पहले भी कम बैक किया था, मैं अब भी कम बैक करूँगा, स्टिल आई एम सी टी फ्लेचर, मैं अभी भी सी टी फ्लेचर वही हूँ जो पहले था, तो मैं जल्दी ही कम बैक करूँगा इन सब चीज़ों से। तो गाइज, आई होप आप सब इनके साथ इनकी फाइट में ज्वाइन कीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी जो YouTube वीडियो है उसका लिंक और इनके YouTube चैनल का लिंक डाल दूंगा। आप एक बार इनके YouTube चैनल को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विजिट कीजिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल जरूर मिलेगा। दिस गाय इज वेरी वेरी मोटिवेटिंग, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है गाइज, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो गाइज, नेवर से यू एवर गिव अप। तो आप कभी जो नेवर गिव अप वाली मेंटलिटी है उसको रखिए, कभी गिव अप मत कीजिए। यस, सबकी लाइफ में स्ट्रेस आते हैं, सबको पेन होता है, बट यू हैव टू कम ओवर ऑल दीज थिंग्स। आपको ये सारे ऑड्स के अगेंस्ट फाइट करना है, तभी आप कुछ अच्छा
अपने लिए गेन कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इनकी जो लाइफ लॉन्ग जर्नियों से सीख सकते हैं, मेंटल एस्पेक्ट। अगर आपका मेंटल एस्पेक्ट मजबूत है गाइस, तो आपको इस दुनिया में कोई भी चीज़ ब्रेक नहीं कर सकती, आप सबके ऊपर विजय हासिल कर लोगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर मिला होगा। अगर आप किसी कारण कोई एक्सक्यूज दे रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे, ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो इस वीडियो से, इस महान व्यक्ति से कुछ सीखिए और आज ही अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। बातें करना बंद कीजिए, काम करना शुरू कीजिए, वर्कआउट करना शुरू कीजिए, ट्रेनिंग करना शुरू कीजिए। वट एवर योर गोल मे बी, अपने गोल को अचीव करिए, धीरे धीरे एक एक स्टेप लीजिए, स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। इन्होंने हर बार जीरो से स्टार्ट किया है और हर बार 100% पे गए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं, ये भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है गाइस, अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंजॉय योर डे।